नमस्कार दर्शकों, सृजन के पथ नामक इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के भाग में समाज और कला पर विवेचना करते हुए अनेक कलाकारों के चित्रों के उदाहरण के सहित उसको समझने की कोशिश की कि समाज और कला परस्पर आश्रित होते हुए किस तरह संस्कृति का अभिन्न अंग बने हैं। व्यक्ति और समाज को सार्थक सुसंस्कृत बनाने में कलाएँ अपनी बेआवाज़ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। संकट के समय यही कला जुझारूपन देती है, ऊर्जा देती है और एक नवीन चेतना का संचार करती है। कला स्व की सत्ता के साथ सर्वसत्ता के घनिष्ठ परिचय का साक्ष्य है। व्यक्ति का यही स्व उसकी आकांक्षाओं के कारण ही उसके सामाजिक और राजनीतिक जीवन को उद्वेलित करता है। कुछ अन्य चित्रकारों के कार्य को देखकर यह शीघ्र ही अनुभूति हो जाती है कि कलाकार समाज के साथ ही किस तरह रच बस कर अपनी कला रूपों, सौंदर्य और ऊर्जा को प्रकट करता रहता है। प्रस्तुत चित्र MF हुसैन का है, जो मदर टेरेसा सीरीज से लिया गया है। जीवन के दुखों को व जीवन के सरोकारों से जुड़े अनेक प्रश्नों को उठाते हुए हुसैन सदैव से इस प्रयास में रहते हैं कि उनकी सौंदर्यात्मक कला भावना, कला रूप उन सामाजिक प्रश्नों, सामाजिक भावनाओं के साथ जुड़कर विकसित होते हैं और यही विकास उनकी कला में इस तरह प्रकट होता है कि कला रूप एक दूसरे के अंदर सम्मिश्रित होते हुए छाया, प्रकाश व रंगों के अनोखे संसार के साथ प्रस्तुत होते हैं। प्रस्तुत चित्र हुसैन का ही है और मदर टेरेसा को प्रतीकात्मक रूप में उपस्थित इन चित्रों में बताया गया है। यह वह धारणाएं थीं जब कलाकार विषय वस्तु के चुनाव में सामाजिक सरोकारों का ध्यान रखते हुए उन कला रूपों के विकास, कला जगत के अनेक समस्याओं को, स्पेस डिवीज़न, रंगों की विविधता, रेखीय योजनाएं, रेखाओं का विकास व संभावनाओं को ढूंढते हुए अनेक विकास प्राप्त कर रहा था। प्रस्तुत चित्र हुसैन का है, द म्यूजिशियन। संगीत की उन भावनाओं को सपाट रंगों और रूपाकृतियों के माध्यम से वे इस तरह प्रकट करते हैं कि कला समाज में अनेक विविध क्रियाकलापों के साथ जुड़कर अभिन्न अंग बन जाती है, उन्हीं मानवीय अनुभूतियों का जिनको एक कलाकार ग्रहण करता है और उनको पुनः प्रस्तुत करता है उसी समाज के समक्ष। प्रस्तुत चित्र कर्बला हुसैन का है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का यह चित्र नवीन शैली के कारण अपनी नवीनता व संभावनाओं के साथ कला जगत में प्रसिद्ध है। इसी तरह की अनेक प्रयोगों के साथ हुसैन कला रूपों का विकास करते हैं तो सामाजिक अवधारणाओं व सामाजिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जोड़ते हुए अपने कला रूपों का विकास करते हैं। प्रस्तुत चित्र सेजा का है। सेजा वह कलाकार थे जिन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर कला रूपों में विकास व सौंदर्य की नई दृष्टि प्रदान की, जिन्हें आधुनिक कला का जन्मदाता भी माना जाता है। सेजा एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों, तत्कालीन धारणाओं से अलग हटकर कला में नए चिंतन को स्थान दिया। वह था प्रकृति का ज्यामितीय रूप, जिसमें प्रकृति व निसर्ग को ज्यामितीय रूपों के द्वारा समझा जाने लगा। रंग योजनाएं यथार्थ के स्थान पर ज्यामितीय रूपों, ज्यामितीय स्ट्रोक्स के द्वारा प्रस्तुत होने लगी, जहां पर रंगों के घनत्व को पहचान कर रंगों के घनत्व की अनेक संभावनाओं को खोजते हुए कला चेतना को प्रस्तुत किया गया। कलाकृति स्टूडियो में न बनकर बाहरी वातावरण में आ गई, जहाँ पर निसर्ग का सौंदर्य था तो धार्मिक, साहित्यिक व अनेक ऐसे धारणाओं से छुटकारा भी था, जहाँ कलाकार स्वयं को स्वतंत्र महसूस कर रहा था। सेजा का जन्म 1839 में हुआ था और 1906 तक उन्होंने अनेक ऐसे चित्र बनाए जो युगों युगों तक कलाकारों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। प्रभाववादी कलाकार मोने 1840 से 1926 तक इन्होंने अपनी कला यात्रा में रंगों के प्रभाववादी स्वरूप को समझकर
जनजीवन से जुड़े अनेक रूपों को बनाकर उस प्रतिभा का परिचय दिया। जब कलाकार स्वयं प्रकृति के समक्ष व रूपाकारों के मध्य स्वयं दृष्टिपात करते हुए ऐसी रंग योजनाएं झिलमिलाते हुए रंग प्रस्तुत कर रहा था और जनजीवन के उल्लास को प्रस्तुत कर रहा था, जो जनजीवन में तत्कालीन लोगों द्वारा पसंद किए गए, और यह वह प्रभाव था जब कलाकार अनेक परिवर्तन कर रहे थे, अर्थात कलाकार अपनी रचना प्रक्रिया में पुरानी परंपरागत शैली के साथ ही कुछ नए तत्वों को जोड़ता जाता है और यही नए तत्व उसे क्रांतिकारी बनाते हैं, तो उसको आलोचना का शिकार भी होना पड़ता है। किंतु कला के सत्य को खोजने के लिए, कला के मर्म को खोजने के लिए इन्हीं कलाकारों का योगदान आज तक युगांतकारी घटना है। प्रस्तुत कैथेड्रल रुआ का गिरजाघर मोने द्वारा बनाया गया। इन्होंने एक ही वस्तु पर भिन्न भिन्न समय में पड़ने वाले प्रकाश को अनुभव किया और उसे बनाकर समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। यह प्रसिद्ध चित्र पोटैटो ईटर्स या आलू भक्षी है, जिसको वैन गॉग ने बनाया। वैन गॉग अपनी महाकरुणा के लिए पहचाने जाते हैं और अपने अभिव्यंजनावादी शैली के कारण पहचाने जाते हैं। 1850 के मध्य इन्होंने यह चित्र बनाया, जिसमें गरीब लोगों के द्वारा एक ऐसे वातावरण में खाना खाते हुए बनाया गया, जिसमें उनका कहना था कि मैंने गहरे रंगों से उसी स्थिति को बनाने की कोशिश की है जिस स्थिति में निर्धन लोग अपने जीवन यापन करते थे, अर्थात सुंदर नारियों, अट्टालिकाओं और प्रकृति के दृश्यों से अलग हो जनजीवन के क्रियाकलापों को बनाने में वैन गॉग ने अपनी दक्षता व करुणा का परिचय दिया। और यही करुणा, यही अभिव्यंजना, यही अनुभूति की तीव्रता धीरे धीरे उनके कला रूपों में प्रकट होती रही। प्रस्तुत चित्र सूरजमुखी का फूल 1888 में बनाया गया। 1888 में बना यह चित्र वैन गॉग के पीले रंग के प्रति प्रेम को दर्शाता है, तो वह उस भावना को भी दर्शाता है जो अभिव्यंजना शैली के ऐंठे हुए आकारों, रंगों के नियोजन या कांच पर किए जाने वाले रंग योजनाओं के द्वारा प्रभावित हुए बताए जाते हैं। और वैन गॉग की यह शैली अभिव्यंजनावाद में एक युगांतकारी घटना थी, जिसमें वैन गॉग ने अनुभूति को अधिक महत्व दिया। यह अवश्य ही सत्य है कि कलाकार अपने समाज से सरोकार रखते हुए उसकी पीड़ा, दर्द, स्वयं के व्यथित मन को कला रूपों में उतारकर जूझने की प्रेरणा देता है, और ऐसे कला रूपों का विकास होता है जो भावनाओं पर आधारित थे। स्टॉर्मी नाइट नाम का यह चित्र वैन गॉग का है और इसमें उन्होंने अपने उद्वेलित मन को, बेचैन मन को इन छोटे छोटे रंगों के स्ट्रोक्स के द्वारा प्रस्तुत किया है। इस तरह समाज में रह रहा व्यक्ति उस कृति को बनाते हुए उन भावनाओं को प्रकट कर रहा होता है जो अनेक व्यथित मनों की भी कहानी होती है, और अनेक कलाकार उसी स्थिति को स्पष्ट करते हुए समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाते हैं। अपने जीवन काल में तो नहीं, किंतु आज के युग तक उनकी कला के इस तत्व को पहचान लिया गया कि वह भावनाओं के प्रदर्शन में किस तरह अतुलनीय हैं। प्रस्तुत चित्र जॉर्ज स्यूरा का है, जिन्होंने बिंदुवाद का विकास किया, जिसमें रंगों के उस महत्व को दर्शाया गया जहां पर रंगों के द्वारा ही रूपाकार घनत्व ले रहे हैं। जनजीवन से संबंधित यह चित्र परिप्रेक्ष्य, रंग योजना, छाया प्रकाश सभी में इतना परिपूर्ण है कि कलाकार के द्वारा बनाए जाने पर उससे सदैव यह पूछा जाता रहा कि क्या यह चित्र मशीन द्वारा बनाया गया है, या इसका जो विषय है वह इतना साधारण विषय होते हुए भी यह कृति आज भी कालजयी कृति के रूप में पहचानी जाती है। एक अन्य कलाकार हुए हैं पॉल गोंग। इनकी कला उन अनुभूतियों को तीव्रता के साथ प्रस्तुत करती है जहाँ कलाकार सौंदर्य भाव
को विकसित करने के लिए एक ऐसे द्वीप में जाके रहने लगा जहाँ पर उसके भावों को, उसके रूपों को नया जीवन मिला, और यही जीवन कला में उनकी रहस्यवादी व गूढ़ शैली के रूप में प्रकट होता रहा। गोंग का समय 1848 से 1903 तक का रहा। उन्होंने प्रकृति में जाकर स्वप्नशील बनने की प्रेरणा दी और स्वयं ताहिती नामक द्वीप पर जाकर रहे और आदिवासियों की जीवन शैली, उनकी रूपाकृतियाँ, रंग योजनाएँ, उनकी रहन सहन की प्रवृत्ति को सूक्ष्म निरीक्षण के साथ महसूस किया। इस तरह कलाकार समाज के उन तत्वों को पहचानना चाह रहा था और निकट जाकर उसका अनुभव करना चाहता था। अनुभूति की तीव्रता के लिए, प्रकृति के नए रूपों के दर्शन के लिए कलाकार भिन्न भिन्न जगह पर जाकर अपनी वस्तुबोध या इंद्रिय ज्ञान को विकसित कर रहा था। प्रस्तुत चित्र गोंग का है, जिसमें उन्होंने आदिवासी जीवन को प्रस्तुत किया है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, यह शीर्षक इस कृति का है। और सपाट रंग योजनाएं, रंगों का प्रतीकात्मक महत्व प्रथम बार गोंग के द्वारा महसूस कराया गया और कला जगत में गोंग के द्वारा बनाए गए ये चित्र अनेक कलाकारों के प्रेरणा स्रोत रहे। इस तरह कला रूपों में प्रकट हुई अनेक रूपाकार सौंदर्य अनुभूतियाँ इस बात की परिचायक थी कि कलाकार के नए नए आयामों के साथ एक काव्यात्मक, रहस्यात्मक, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक ऐसी अभिव्यंजना शक्ति को विकसित कर रहे थे जो कला रूपों का मर्म था। कला के सत्य को पहचानने के लिए कलाकार अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का उपयोग कर रहे थे, तो अपनी वस्तुबोध व इंद्रिय ज्ञान के तत्वों का इस क्रियाशीलता को कला में महसूस किया जाता रहा और कला जगत में समाज के साथ जुड़े अनेक तत्वों को प्रकट किया जाता रहा। एक अन्य शैली विकसित हो रही थी कला के लिए कला की, किंतु कहीं ना कहीं कलाकार उसमें भी समाज के साथ ही जुड़ा था। समाज के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों से अप्रभावित नहीं रह सकता था। अंतराल के पश्चात आपका पुनः स्वागत है। साल्वाडोर डाली एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने सीरियलिज्म या अति यथार्थवाद के अनेक ऐसे चित्र बनाए जो कला जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन था। यथार्थ से भी आगे सोचकर ऐसे रूपों की सृजना कर रहे थे जिसमें कल्पना या फ्रायड के उन सिद्धांतों का पोषण था जो उस समय के समाज में व्याप्त था, अर्थात दार्शनिकों, विचारकों, साहित्यकारों के अनेक विचार कलाकारों को भी प्रभावित करते थे और वह सारे समाज के एक अभिन्न अंग के रूप में विकसित होते थे। इन विचारों को कला रूपों में प्रस्तुत किया साल्वाडोर डाली ने। साल्वाडोर डाली का यह चित्र द टेम्पटेशन ऑफ सेंट एंथनी 1946 में बनाया गया। यह चित्र सेंट एंथनी नीचे क्रॉस के साथ बैठे हैं और अनेक विभत्स आकृतियां बनाई गई हैं। अति यथार्थवाद का मुख्य बिंदु था निर्जीव तत्वों को सजीव बनाना, असंबद्ध वस्तुओं को एक साथ बनाना, एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें इंद्रिय जाल कह सकते हैं या
माया का संसार कह सकते हैं, जिस संसार का वास्तव में अस्तित्व नहीं है, किंतु इन परिकल्पनाओं और फैंटेसियों के साथ एक ऐसी कला का निर्माण हो रहा था जहाँ कलाकार स्वतंत्र था अपने कल्पना की उड़ान में व कला रूपों के नए सृजन में। इन असंबद्ध वस्तुओं का एक और उदाहरण है परसिस्टेंस ऑफ टाइम, दृष्टि सातत्य नाम का यह चित्र साल्वाडोर डाली ने 1931 में बनाया और यह आकार में 9.5 × 13 इंच है, किंतु इसकी परिकल्पना, रचनात्मकता, क्रियाशीलता व कल्पना की अनोखी प्रस्तुति यह बताती है कि एक कलाकार आकारों में आमूलचूल किस तरह परिवर्तन करता है। कुछ कलाकार घनवादी शैली में रूपाकारों को नवीन आयाम दे रहे थे, तो इन्होंने अपनी इन लचीली घड़ियों के माध्यम से एक ऐसे संसार की परिकल्पना की जिसमें कलाकार का मौलिक सृजन प्रस्तुत था। यह चित्र साल्वाडोर डाली के अनेक चित्रों से समता रखता है, किंतु इसमें परिप्रेक्ष्य का एक अनूठा संयोग बनाया गया और साथ ही ऐसे जीव जंतुओं को जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उन जीव जंतुओं को बनाकर एक नई कल्पनाशीलता का प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रस्तुत चित्र एडवर्ड मुंह का है जो नॉर्वे में जन्मे और उनकी कला बर्लिन में प्रस्तुत की गई और उन एग्जीबिशंस में रंगों की प्रतीकात्मकता, रंगों की चित्कार इस तरह प्रस्तुत हुई कि सभी अभिव्यंजनावादी कलाकारों की दृष्टि इन चित्रों पर रहकर अनेक प्रेरणाओं को प्राप्त कर रही थी। एडवर्ड मुंह एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने साधारण जनजीवन, प्रकृति के अनेक रूपाकारों को इतनी सरलीकृत शैली में बनाया कि वह अभिव्यंजना में सटीक थे। उनकी रंगों की अनुभूति इतनी पारखी थी कि उन्होंने रंगों को भावनाओं के साथ जोड़कर इस तरह प्रस्तुत किया कि रंग भावनाओं के ही अंकन के साथ मुखरित होने लगे। मातिस नाम का एक कलाकार रंगों के विशुद्ध प्रयोग के लिए विख्यात है। फाववाद नाम से इनकी कृतियों को पहचाना जाने लगा। जीवन का आनंद या नृत्य नाम की यह कृति 1905 में बनाई गई और उसमें रंगों के विशुद्ध प्रयोग के द्वारा ऐसी अनुभूतियों को दर्शाया जा रहा था जो रंगों की विशुद्धता के साथ ही रूपाकारों की गतिशीलता को भी प्रस्तुत कर रही थी और विशुद्ध रंगों के प्रयोगों को व पूर्वीय शैली के साथ घुल मिलकर पश्चिमी शैली एक ऐसे संसार को दर्शा रही थी जहाँ पर भूमंडलीयकरण के चिन्ह देखे जा सकते हैं, जहाँ पर जापान, चीन व भारत के विशुद्ध रंगों के प्रयोग को पश्चिमी कलाकारों ने किस तरह आत्मसात करना शुरू किया और यहीं से प्रारंभ होता है भूमंडलीयकरण का युग। पाब्लो पिकासो एक ऐसे चित्रकार हुए हैं जिन्होंने कला संसार में अपनी रचना धर्मिता और प्रयोगों के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। उनके प्रारंभिक चित्र ब्लू पीरियड के कहलाते हैं, जिसमें यह द बैगर्स नाम का यह चित्र उनकी मानवों के प्रति सहृदयशीलता को बतलाता है, जहां उन्होंने ब्लू पीरियड में 1901 से 1904 तक कुछ ऐसे चित्र बनाए जिसमें करुणा, निर्धन लोगों की असहाय स्थितियां व उनकी पीड़ाजनक रहन सहन को दर्शाने का प्रयत्न किया। कलाकार उनको दर्शाकर अपनी करुणा के साथ प्रस्तुति दे रहा था। उसका उद्देश्य यह था कि वह उनके अनुभूति को स्वयं अनुभव कर रहा है और दूसरों तक उस अनुभूति को भी पहुंचाना चाहता है। सौंदर्य के नियमों के अनुसार व ज्यामितीय रूप योजनाओं को आत्मसात करते हुए पिकासो ने ऐसे चित्रों की रचना की जिसमें घनवादी शैली का रूप प्रस्तुत होने लगा। यह प्रस्तुत चित्र बोलार का है जिसमें उन्होंने उनके चिंतनशील व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए छोटे छोटे घनों का प्रयोग करते हुए अपनी कृति को आकार दिया और यह घनवाद सदियों तक कलाकारों को प्रभावित करता रहा है और करता रहेगा। वीपिंग वुमेन नाम का यह चित्र पिकासो का
प्रख्यात चित्र है जिसमें उन्होंने नारियों की दुर्दशा को दिखाने के लिए उस रोती हुई महिला को बनाया जो अपने हाथ में एक रुमाल लिए है। यह रूपाकारों का एक ऐसा चित्रण था जिसमें स्पेस के साथ रूपाकारों के ऐंठन के साथ रूपाकारों के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन करते हुए ऐसी आकृतियां प्रस्तुत की जा रही थी जो अपनी रंग योजना में प्रतीकात्मक थी, आकार में अपूर्व थी और अनुभूति में सटीक थी। प्रस्तुत चित्र घनवादी विरूपण या क्यूबिस डिस्टॉर्शन का उत्तम उदाहरण है जिसमें कलाकार ने मानसिक अनुभूति भावात्मकता को प्रदर्शित करते हुए एक ऐसे तत्व की ओर इशारा किया जहां कला सौंदर्यात्मक व रूपात्मक पक्षों से ऊपर उठकर भावात्मक पक्षों तक पहुंचकर कला चेतना व कला ऊर्जा को प्रस्तुत करती है। पिकासो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने यह तथ्य रखा कि आप दूसरों से सरोकार न रखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। किस ठंडी उदासीनता के साथ कला की सर्जना की जाए। कलाकार या पेंटर एक ऐसा आदमी है जो राजनीतिक व सामाजिक विचार भी रखता है। इन्हीं तथ्यों को उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के द्वारा प्रस्तुत किया और उनकी यही कई महान पेंटिंग्स राजनीतिक कारणों से बनाई गई और राजनीतिक पेंटिंग के रूप में विख्यात हैं। प्रस्तुत चित्र दक्षिण कोरिया व उत्तरी कोरिया के मध्य मतभेदों के बाद बनाया गया जिसमें दीनहीन महिलाएं, असहाय महिलाएं, कुछ रोबोट जैसे या मशीनी मानवों के द्वारा बंदूक की निशाने पर हैं और वह अपनी असहायता के भाव के साथ एक और खड़ी हैं। यह दृश्य चित्र पिकासो ने उस विरोध में बनाया था कि निसहाय लोगों को किस तरह मशीनी मानव अपनी बंदूक का निशाना बनाकर हिंसा कर रहे हैं। हिंसा का विरोध कलाकार के लिए कला रूपों में बनाना एक उपदेश नहीं था, एक नीति नहीं थी, बल्कि उसकी तीव्रतम भावना थी जहां पर वह हिंसा नहीं चाह रहा है और समाज में एक ऐसा संदेश देना चाहता है कि वार एंड पीस या शांति और युद्ध में से किसे चुना जाए। उस ओर इशारा करता है कि शांति ही सारी मानवता के लिए कल्याणकारी है। यह प्रसिद्ध चित्र 1937 में पिकासो द्वारा बनाया गया। यह एक ऐसे सामाजिक महत्व का चित्र है जिसमें पिकासो ने अपने सारे जीवन की उपलब्धियों को, कला रूपों को, अपने सौंदर्य भावों को प्रस्तुत किया, किंतु एक सामाजिक यथार्थ के साथ। ग्वेर्निका एक छोटा सा गांव था जिसको जर्मन तानाशाहों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। पिकासो अपना विरोध जताना चाहता था जिसमें युद्ध के लिए सारी विश्व में विरोध के स्वर मुखर हों। यहाँ पिकासो स्वयं कहते हैं कि यह चित्र प्रतीकात्मक है, इसमें बैल का आकार पाशविक प्रवृत्ति का द्योतक है, तानाशाही का द्योतक है, न कि इसका कोई नाम दिया जाना चाहिए। हाथ में मृत बालक लिए महिला दुख के साथ प्रस्तुत की गई है। उसकी पीड़ा को उन आकारों में इस तरह बनाया गया कि एक मृत बालक को लिए माँ की स्थिति उस चीत्कार को बताते हुए, आकार का ऐंठन मानसिक अनुभूतियों को बताते हुए, सौंदर्यात्मक नियमों का पालन करते हुए पिकासो की कला ने इस तरह के प्रतीकात्मक चित्रों का सृजन किया। घोड़े को उन्होंने जनता का प्रतीक माना और उसके नीचे एक गिरा हुआ सैनिक प्रतीक है उस हिंसा के नाश का। इस तरह अनेक चीत्कार करती हुई आकृतियां उस समाज को दर्शा रही थी जहां पर युद्ध की आवश्यकता न थी। एक छोटे से गांव को, निसहाय गांव को ध्वस्त करना किस मानवीय संवेदना को जागृत कर सकता है। इसका कला रूप पिकासो द्वारा प्रस्तुत किया गया। पिकासो एक ऐसा हथियार बन गए जिन्होंने अपनी कृतियों के द्वारा अनेक अर्थों में अपने विरोध के स्वरों को मुखर किया और कला रूपों को एक सामाजिक आवश्यकता, सामाजिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया। ग्वेर्निका बनाने के पश्चात यह बहस उठती रही कि क्या ग्वेर्निका के प्रस्तुतिकरण के बाद सारी हिंसा समाप्त हो गई, किंतु ऐसा नहीं था। कलाकार का स्वर मुखरित होना
विरोध के स्वरों को शब्द देना, यह एक कलाकार लेखक का कर्तव्य हो सकता है और उसका उत्तरदायित्व पिकासो ने बखूबी निभाया। कला किन्हीं लाभ व किन्हीं अपेक्षाओं के साथ नहीं जुड़ी होकर अपनी भावनाओं को मौलिक रूप से प्रस्तुति के मध्य एक पुल का कार्य करती है। इस तरह इन सभी कलाकृतियों को देखते हुए यह जाना जा सकता है कि समाज कला के लिए विषय वस्तु भी बनता है, आस्वादक भी बनता है, उसका कला निधि संरक्षक भी बनता है और उसको प्रोत्साहन भी देता है। तो कला उन तत्वों को, जीवन मूल्यों को, जीवन के मर्म को, सार तत्व को समेटकर संस्कृति के विकास में अविच्छिन्न भूमिका अदा करती है और कलाकार सदैव से सतर्क रहते हुए, अपनी इंद्रियों को सचेत रखते हुए, समाज के हर पक्ष का अध्ययन करते हुए अपनी मौलिक अभिव्यक्तियां देते हैं। समाज से ही जुड़कर कलाकार विकसित होता है। व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन्हीं दोनों के विकास से ही समस्त विश्व का विकास व कल्याण संभव है। इसीलिए सभी सत्यों को, सभी कल्याणकारी वस्तुओं को जोड़ते हुए कला का एक ही लक्ष्य निर्धारित किया गया, सत्यम शिवम व सुंदरम।